गर्मी का मौसम है, चिलचिलाती हुई धूप है, शाम के 4-5 बजे है और छोटी सी भूख तो लगी है, तो क्या कर सकते हैं? रोज रोज कौन सा नाश्ता बना सकते हैं? तो मैंने एक प्री मिक्स बनाया है जो आप बना के रख सकते हो, कम से कम 15 दिन के लिए तो स्टोर कर सकते हो, और जब वो नाश्ता बनाना होता है तो फटाफट बना लिया। छोटी सी कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा है, तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी मूंगफली। बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है इसे। जब तक मूंगफली फूटने ना लग जाए तब तक इसे भुनना है। ये मूंगफली अभी हो गया है, चटकने लग गया है, फूटने लगता है, तो अब मैं इसे निकाल लूंगी। अब मैं डालती हूँ दालिया। ये बस 1-2-3 मिनट के लिए भुनना है। अब हम एक बड़ी सी कढ़ाई रखेंगे इसके ऊपर। ये कढ़ाई गरम हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे बस 1 टेबलस्पून ऑयल। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, फाइनली चॉप्ड, एकदम बारीक कटा हुआ प्याज। इसे हम सुनहरा होने तक भून लेते हैं। ये अब हो गया है, अब इसमें डालेंगे हम सूखे मसाले। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, चाट मसाला पाउडर 1 चम्मच, अमचूर पाउडर आधा चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, या आप अपने हिसाब से डालिए, हींग 2 चुटकी और नमक स्वाद अनुसार। अब इसे मिला लेते हैं सारे मसालों को। मुझे थोड़ा सा तेल कम लग रहा है तो मैं 1 आधा चम्मच और डालूंगी इसमें, तो कुल मिला के 2 टेबलस्पून तेल डालना है। अब ये भी भून गए हैं, अब इसमें डालेंगे हम ये भुने हुए मूंगफली और दालिया। अब ये मसाले भुन चुके हैं, हम गैस बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी है कि हम गैस बंद कर दें। अब इसमें हम डालते हैं मेन इंग्रेडिएंट, मुरमुरा या कुरमुरा। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मैंने किस चीज का प्रीमिक्स बनाया है। ये है सूखा भेल या गीला भेल का चाट का प्रीमिक्स। ये आप 15 दिन के लिए स्टोर करके रखें और जब आपको जी चाहे तब आप इसे निकालें और इसमें प्याज टमाटर सब चीज़ें डाल के एंजॉय कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ध्यान रखिए कि मैंने गैस बंद कर दिया है। अगर गैस चालू रखते हैं तो ये सिकुड़ सकता है मुरमुरा, ये आप ध्यान रखिए ये टिप। ये मिक्स हो गया है अच्छी तरह से, अब इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच शक्कर। हम डालेंगे सेव, जो थोड़ी मोटी मोटी है वो भी डाल देते हैं।
हम इसमें डालेंगे पपड़ी चूरा करके, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है घर पे तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। और अब इसको ठंडा होने पर अच्छे से हम एक डिब्बे में बंद करके रख देते हैं। ये प्रीमिक्स ठंडा हो गया है, मैंने ये डब्बे में भर लिया है, मैं अभी इसे स्टोर करके रख सकती हूँ कम से कम 10-12 दिन के लिए। वैसे तो ये जो बन गया है ना, इतना टेस्टी बन गया है, वैसे तो सूखा भी खा सकते हैं, इसे महाराष्ट्र में भरडा बोलते हैं, लेकिन इसमें एक ही कमी है कि मैंने इसमें लहसुन और सूखे लाल मिर्च का तड़का नहीं दिया है, क्योंकि हम लोग ये भेल के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये जो 2 प्लेट है इसमें मैं डाल लूँगी, पहले मैं सूखा भेल बनाती हूँ। इसलिए हम लोग डालेंगे प्याज, टमाटर, अम्बी, कैरी जो कच्ची कैरी होती है वो, आलू। आलू को मैंने थोड़े थोड़े चंक्स में ले लिए हैं ताकि अच्छा लगता है जब वो मुंह में आता है तब, और भर भर के डालेंगे हम सभी चीज़ें। डालेंगे मूंगफली, ये भुना हुआ मूंगफली है, हम डालेंगे हरी चटनी थोड़ा सा, क्योंकि इसको गीला नहीं करना है इसलिए थोड़ा सा ही डालते हैं। डालेंगे सॉस, टोमेटो सॉस या केचप, हम अनार भी डाल सकते हैं, फिलहाल मेरे पास अनार अवेलेबल नहीं है घर पे। हम डालेंगे बारीक सेव, हम डालेंगे हरा धनिया और ये पापड़ी। तो ये सूखा भेल तैयार हो गया है, अब हम करेंगे गीला भेल। इसमें भी वही सब चीज़ें डालेंगे, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा डालना है इसमें, हरी चटनी अब इसमें हम ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे खट्टी मीठी चटनी, भर भर के डालना है हमें इसको, केचप। भेल का मतलब ही होता है बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर, तो आप जो भी घर में हैं, जैसे अगर आपके पास मूंग है स्प्राउटेड मूंग, या तो फिर आपके पास मटर है उबले हुए वो भी डाल सकते हैं। आखिर में हम डालेंगे सेव, और फिर हरा धनिया, और ये रही पापड़ी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये प्री मिक्स? एक बार बना के रख दिया तो 15-20 दिन का फुर्सत, जब चाहे आप खा सकते हो, बना सकते हो सूखा भेल या गीला भेल। अगर मेहमान आ जाते हैं तो फटाक से बनाया, और जो भी चीज़ अवेलेबल है घर में वो सब यूज़ कर सकते हैं इस भेल में। एंजॉय कीजिए भेल चाट का प्रीमिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये गीला भेल बन गया है, देखिए कितना मस्त बन गया है, एकदम चटपटा, एकदम टेस्टी, एकदम यम्मी, टैंगी, खट्टा मीठा तीखा।